हेलो। हाँ जी, कौन? ओ भाई, तेरी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोल। ओ यार, मुंह से कुछ बोल भी ले। इतना पुकारा तुम्हें गला बह गया है। क्या कहा, इतना पुकारा, लेकिन मेरे पास तो तेरी आवाज आई नहीं। तू करता है हेरा फेरिया, यार मैं क्यों तेरे साथ हेरा फेरी करूंगा? और एक बात बता, तू है कौन? मैं मानक मानक मानक। हाँ बताइए मानक साहब, आज रात के 12 बजे कैसे कॉल कर ली? मैं भी दिल दे हाल सुनाने आ। यार सिर्फ तूने दिल के हाल सुनाने के लिए रात के 12 बजे मुझे कॉल की? यार सुबह भी तो कॉल कर सकता था। चल फोन काट, मुझे अब नींद आ रही है, मैंने सोना है। तुझे नींद कभी ना आएगी। अगर नींद ना भी आई तो मैं पबजी खेल लूंगा। तेरा कोई ना कोई नवा बहाना रहिंदा है। यार मैं क्यों तुझे बहाने लगाऊंगा? और जसमानक, मैंने सुना है तू भी पबजी का शौकीन है। और बता फिर, कब से पबजी खेल रहा है? पूरा एक हो गया है साल में। अच्छा तो फिर मुझे भी अपनी पबजी की आईडी बताओ, फिर मिलकर खेलेंगे। ना ना ना। अच्छा तो तू डर गया है कहीं मुझसे पबजी में हार ना जाए? जत किसे तो ना डरता। मुझे पता है तू मुझसे डर गया, पबजी खेलना तेरे बस की बात नहीं है, बस तू चिड़ी मार सकता है। चिड़िया ना मारा। तो फिर बोल, पबजी में बंदों को मार लेगा? इको गोली नाल खून लेंदा चूसनी। फिर भी तू मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा? मैं ते तो उत्ते दिया चीज पामे कद तेरे हान दा। वो तो उस दिन पता चलेगा जब मेरे साथ गेम लगाओगे। और जसमानक, मैंने तो आई रॉयल पास भी खरीद लिया। मेरे उत्ते करके तरस सोने हां ले दी मेनू। अच्छा तो तू चाहता है मैं तुझे भी रॉयल पास खरीद कर दूं? ओ भाई मैं नहीं खरीद कर देने वाला। ओ मेरा दिल तोड़ने से पहले ये सोच लेना, बारी आपकी भी आएगी। यार तुझे भी खरीद कर तो दे देता, लेकिन मेरे बटुए में इतनी पैसे थे जो मैंने अपने लिए रॉयल पास खरीद लिया, अब मेरा बटुआ ही खाली हो चुका है। मेरी वारी बटुआ खाली कहना है। यार जब बटुआ खाली है तो खाली कहूंगा ना। कंजूस है वे पूरा मक्खी चूस है। ओ भाई ऐसे कैसे कंजूस मक्खी चूस कहे जा रहा है? अच्छा जसमान है कि 1 मिनट रुकियो, किसी की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जी कौन बोल रहा? हाँ दबंग बोल, आजकल क्या चल रहा है? कैसे बताऊं? अच्छा तू ना बता। और दबंग, मैं कल तेरे घर आया था, तू घर पर ही नहीं था। नाराजगी इस बात की नहीं है हमें कि तुम हमारे घर में घुसे। तो फिर किस बात की नाराजगी है? नाराजगी तो इस बात की है कि तुम हमारे घर में घुसे जब हम नहीं थे। मैं तो तेरे लिए आया था, मुझे क्या पता कि तू घर पर है कि नहीं। बदला तो हम लेंगे ही। तू मुझे मारेगा? आहा, आहा। मार के तो दिखाइए, तुझ में इतने छेद करूंगा ना तू खुद ही भूल जाएगा कि मैं कौन हूँ। और एक बात बता, रामपाल की चोरी तुम्हारी क्या लगती है? कुछ तो लगती होगी तुम्हारी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कल बड़ी उसके साथ चिपक चिपक कर बातें कर रहा था। चुपके देख रहे थे। हाँ मैं तो चुपके चुपके सब देख रहा था। और एक बात बता, तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे? और एक बात बता, वो तो बहुत नखरे करती है, तुमसे कैसे पट गई? हाँ फिर ठीक है। और बताओ आज मुझे कैसे कॉल की? निकले फरेबी, फरेबी रे फरेबी, फरेबी रे फरेबी। कौन, मैं फरेबी? आहा, आहा। ओ भाई ऐसे कैसे इल्जाम पे इल्जाम लगाया जा रहा है? और एक बात बता, हुआ क्या है? मुन्ना बदनाम हुआ। अच्छा तो फिर से किसी के घर के सामने मुंह दिया? और एक बात बता, अब क्यों मुंह था किसी के घर के सामने? तेरे लिए। ओ भाई पागल तो नहीं हो गया? मैंने कब कहा किसी के घर के सामने मुतने को? और एक बात बता, मुतते हुए पकड़े तो नहीं गए? यार पकड़े तुम गए हो, मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा भी कसूर है ये, बार बार कहता। ओ भाई ऐसे कैसे बार बार कहेगा, बहुत मारूंगा। और तेरा भी करैक्टर डील है जो हर किसी के घर के सामने मुत देता है। हाँ हाँ तेरा तो बिल्कुल ही करेक्टर डील है। और बताओ आगे का क्या प्लान है? दूल्हा बनूंगा मैं। रामपाल ने तो तुझे अपनी बेटी का हाथ देने ही नहीं। तेरे बिना नामुमकिन है। हाँ ये बात तो है, मेरे बिना मुमकिन भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगा तेरे बारे में। और बता अब रात कैसे लाएगा? ना गाड़ी होगी ना घोड़ी होगी, पैदल ही बारात लाऊंगा। हाँ ये भी ठीक है, गाड़ियों का खर्चा बच जाएगा। और बता शादी के बाद क्या होगा? दिंक चुका, दिंक चुका, दिंक चुका, दिंक चुका।